Do not get affected by society's discouraging remarks. Because कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसी सोच के साथ आईएएस अनु कुमारी ने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया और साबित कर दिया, do hard work so silently that your success makes all the noise. ये कहानी है भारत की उस बेटी के संघर्ष की, जिसने लोगों की कड़वी बातें सुनी, फिर भी अपनी ममता के कलेजे पर पत्थर रखकर अपने 2.5 साल के बेटे को खुद से दूर रखा। समाज ने इसके लिए उन्हें सेल्फिश भी कहा, लेकिन कहते हैं ना, डेडिकेट एवरी पीस ऑफ योर सोल टू अचीव दैट वन बिग गोल एंड सक्सेस विल किस योर फीट। और यही किया 2.5 साल के व्यान की माँ अनु कुमारी जी ने। अनु कहती है कि उनके मन में हमेशा एक डर रहता था कि कहीं वो अपनी कोशिश में फेल हो गई, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका क्या होगा। लेकिन अनु कुमारी, जिन्होंने यूपीएससी के परीक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा था, उन्होंने अपने इस डर को अपनी मेहनत पर हावी नहीं होने दिया और 2017 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा न केवल पास की बल्कि पूरे भारत में दूसरी रैंक हासिल करके ये प्रूव कर दिखाया कि डू नॉट फीड योर फियर, इंस्टेड ऑफ फीडिंग दैट फियर, टेक दैट मोमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी टू एलिवेट दैट फियर एंड कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ। दोस्तों, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर पाना कितना मुश्किल है ये बताने की जरूरत तो शायद नहीं है। कई बार बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी सक्सेस की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस मैदान में उतर जाते हैं, उनके लिए जीत हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आईएएस अनु कुमारी हरियाणा के सोनीपत में रहने वाली हैं। अनु कुमारी जी के पिता एक हॉस्पिटल में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के रूप में काम करते थे, वहीं उनकी माँ एक डेयरी फार्मर है। उनकी मिडिल क्लास फैमिली की फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस और इकोनॉमिक क्राइसिस ने अनु का जज्बा कम नहीं होने दिया और अनु कुमारी हमेशा से अपने स्कूल और कॉलेज में टॉपर रही। अपने इंटरव्यू के दौरान अनु कुमारी ने एक लाइन कही जो शायद आपको बहुत कुछ सिखा दे, थिंग्स बिगिन टू हैपन वंस यू पुट योर हार्ट एंड सोल इन समथिंग। 19 की उम्र में हिंदू यूनिवर्सिटी में फिजिक्स से ग्रेजुएशन प्लेसमेंट के दौरान अनु ने अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट करने का मन बनाया और अपनी मेहनत से 21 साल की उम्र होने के बाद उन्होंने CAT यानी कि कैट एग्जाम क्लियर किया, नागपुर IMT से MBA की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने ICICI म्यूचुअल फंड मुंबई में 3 साल तक जॉब की, फिर गुरुग्राम में एविवा लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन किया और 2012 में इनकी शादी हो गई। लेकिन रियल स्ट्रगल तो अब शुरू होने वाला था जब शादी के 2 साल बाद अनु कुमारी माँ बनी। मैटरनिटी लीव खत्म होने के बाद जब अनु ने कॉर्पोरेट लाइफ को रीजॉइन किया, शी रियलाइज कि ये एक वेल पेइंग जॉब तो है लेकिन इसमें इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं है एंड देयरफॉर दिस इज नॉट व्हाट शी वांटेड फ्रॉम लाइफ। अब अनु के पास ऑप्शन था जॉब छोड़ने का, वो चाहती तो कोई भी छोटा एग्जाम देकर आसानी से गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर लेती। लेकिन फाइनली अनु ने अपने यूपीएससी के लक्ष्य को चुना क्योंकि सिविल सर्विस में उन्हें जो पावर, राइट्स और रिस्पेक्ट मिलती वो किसी दूसरी नौकरी में कहां मिलती, और वो अपने इस पावर से समाज का भला भी कर पाती। अनु ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि उनके भाई और मामा जी ने उन्हें इस दौरान बहुत सपोर्ट किया और हमेशा मोटिवेट करते रहे। लेकिन जब 2015 में यूपीएससी का रिजल्ट आया और फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक टॉपर टीना दाबी रही, तो उनका मनोबल और बढ़ गया। अब वो समझ चुकी थी कि यूपीएससी डूएबल है और वो ये कर सकती हैं। और फिर वहीं से उन्होंने खुद की हिस्ट्री क्रिएट करने का सोचा और टीना दाबी से इंस्पायर होकर मई 2016 में अपनी 1,20,000 की मंथली सैलरी वाली जॉब छोड़ दी और आईएएस बनने के लिए यूपीएससी के दंगल में आ गई। दोस्तों,
अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किल होगा एक मिडिल क्लास फैमिली की बेटी के लिए इतनी हाई प्रोफाइल जॉब छोड़कर एक ऐसे एग्जाम की तैयारी करने की सोचना जहां सक्सेस की कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि इस एग्जाम के लिए हर साल अप्रोक्सीमेटली 10 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन सफलता केवल 700 लोगों को ही मिल पाती है। लोगों ने उनसे कहा कि इस एग्जाम में लक काम करता है, लेकिन ननु कुमारी का इरादा पक्का था और उन्होंने सोच कर रखा था कि द हार्डर यू वर्क द मोर लक बिकम्स इन योर फेवर, और अपने इसी मोटिव को फॉलो करते हुए उन्होंने अपने इस मोमेंट को एज अपॉर्चुनिटी समझा और पूरा डेडिकेशन अपने स्टडीज में लगा दिया। लेकिन 2.5 साल के बच्चे के साथ यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम्स की तैयारी करना कोई मजाक नहीं था। जब भी वो पढ़ने बैठती, उनका बेटा उनकी गोद में आकर बैठ जाता और बेटे के लाड में माँ आखिर उसे कैसे छोड़कर किताबों में ध्यान लगा लेती। तो एक दिन घर आई हुई अनु की मासी ने उनकी सिचुएशन को समझा और उन्हें यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए अपने घर पर आकर तैयारी करने के लिए कहा। ये मोमेंट अनु के लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट था जब वो या तो अपने ड्रीम्स की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सकती थी या फिर अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर वहीं रुक जाती। और फाइनली अनु ने अपना डिसीजन बना लिया था। अब मन पक्का करके देश और समाज के बारे में सोचा और अपने देश के लोगों की सेवा करने का मन बना लिया, और इसके लिए उन्होंने अपने बच्चे से दूर रहकर तैयारी करने का फैसला किया और व्यान को अपनी माँ के पास छोड़कर अनु अपनी मासी के साथ उनके घर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए चली गई। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक वेल सेटल्ड वुमन के लिए अपनी 1 मिलियन पैकेज वाली जॉब से रिजाइन करके 10 साल बाद दोबारा से स्टडी शुरू करना कितना टफ टास्क रहा होगा। लेकिन अनु को अपने देश के लिए कुछ करना था, और वो कहते हैं ना कि जब ठान लो कुछ करने की तब हर मुश्किल आसान हो ही जाती है, और ये अनु की लगन ही थी जो उन्होंने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपने बेटे से भी दूर रहने का फैसला किया था। अनु ने कई दिनों की दिन रात मेहनत के बाद 2016 में यूपीएससी एग्जाम का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। उन्हें उम्मीद थी कि वो पास हो जाएंगी, लेकिन केवल एक नंबर से वो इस बार भी पीछे रह गई। लेकिन अपनी हार से निराश ना होकर अनु ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई और अपने फियर, डाउट और इनसिक्योरिटीज को साइड में रखकर फिर से तैयारी करने के लिए लग गई। अब इस बात पर सोहन लाल द्विवेदी जी की एक कविता बिल्कुल सटीक बैठती है। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यही हुआ अनु जी के साथ भी। अनु बताती हैं कि तैयारी के दौरान उन्हें काफी मुश्किलें आईं। उन्हें सोशियोलॉजी अच्छे से समझ नहीं आती थी क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड से थी, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और रेगुलर कोशिश के दम पर उन्होंने खुद के डाउट्स क्लियर किए और बेस स्ट्रॉन्ग बनाया और 2017 में यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेन एग्जाम क्लियर किया। इंटरव्यू के बाद जब अनु का रिजल्ट आया तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि वो ऑल इंडिया रैंक 2 पर है, और उन्होंने फाइनली अपना यूपीएससी का ये स्ट्रगल भरा सफर तय कर लिया था। ट्रेनिंग कंप्लीट करके फाइनली उन्हें पहली पोस्टिंग एज अ सब कलेक्टर केरल कैडर में मिली, और ये वो जगह थी जहां से वो न केवल अपने सपनों और पैशन को पूरा कर सकती थी बल्कि अपने देश और समाज के वेलफेयर में भी काम कर सकती थी। अनु कुमारी का सक्सेस रिकॉर्ड भी काफी फ्रेजिंग रहा है। पहला, लबासना में अनु मैम को प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल के साथ सम्मानित किया गया था। केरला के थालासरी के कुन्नूर जिले में जब ये एज अ सब कलेक्टर पोस्ट हुई तब अनु कुमारी को सब कलेक्टर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। और केवल इतना ही नहीं, अनु कुमारी कन्नूर के लोगों के साथ इस तरह इमोशनली अटैच्ड हुई कि वहाँ के लोग इन्हें जना किया सब कलेक्टर बुलाने लगे थे। मलयालम में लोगों के जिलाधिकारी को जनाकिया सब कलेक्टर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी सक्सेस स्टोरी ऑफ अनु कुमारी, जिन्होंने खुद के सर्कमस्टेंसेस को अपने जज्बे पर हावी नहीं होने दिया और खुद की मेहनत के दम पर सफलता हासिल की एट द एंड। एक बात तो है जो इस स्टोरी से हमें सीखनी चाहिए, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम।
बस हमारी लगन और मेहनत होनी चाहिए, हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। देखा आपने कैसे अनुकुमारी ने एक वेल सेटल्ड जॉब होते हुए भी अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, और एक छोटे से बच्चे की माँ होते हुए भी यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम को क्रैक कर दिखाया, और न केवल क्रैक किया बल्कि ऑल इंडिया रैंक में सेकंड पोजीशन भी हासिल की। तो आजकल के जो भी युवा लड़के या लड़कियां यूपीएससी करना चाहते हैं और या तो डर कर हार मान जाते हैं या अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए कई तरह की बहानेबाजी करते हैं और अपनी परिस्थितियों को अपनी हार का जिम्मेदार ठहराते हैं, उन्हें सीखना चाहिए अनुकुमारी ही से। उन्होंने खुद को इस काबिल बनाया और देश के हजारों युवा लड़के लड़कियों के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेट कर दिया। अनुकुमारी जी की सक्सेस स्टोरी एक जीता जागता उदाहरण है सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस का, कि अगर हम अपने जीवन में कुछ करने की ठान ले तो कोई भी परेशानी क्यों ना हो, सिचुएशन हमारे सपनों से बड़ी नहीं हो सकती। उम्मीद करते हैं कि अनुकुमारी जी के सक्सेस स्टोरी को सुनकर आप भी मोटिवेट हुए होंगे और अपनी ईमानदारी, लगन, मेहनत और जज्बे के दम पर आप अपने सारे फियर्स, डाउट्स और इनसिक्योरिटीज को साइड में रखकर अपने ड्रीम्स की तरफ दो दो स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। अर्न अकेडमी सेलिब्रेट करता है ऐसे ही हर यूपीएससी टॉपर की स्टोरी को, और अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं अर्न अकेडमी प्लेटफॉर्म से, जहां आपको आईएएस एग्जाम में सफल होने के लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स गाइड करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आगे भी ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी और भी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप बिल्कुल मिस ना कर पाएं। जय हिंद।